जावेद बेग, एमपी हेड एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर। हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें हमने अपने पत्रकार बंधुओं को बुलाकर उनसे मदद मांगी है कि हमारी जो अपील है वो जहाँ जहाँ तक पहुँच सकती पहुँचे। कि जो एक बहुत पुराना एक मसला था, सदियों पुराना मसला था, जो हल हो गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे हिंदुस्तान के हर शख्स ने तहे दिल से कबूल किया, तो उसको दोबारा ना कुरेदा जाए। इसी अपील को हम उन लोगों से करना चाह रहे हैं जो दोबारा कह रहे हैं कि हम रिट दायर करेंगे। तो अब वो उनका वो खुद मुख्तार हैं, हम उन्हें रोक भी नहीं सकते, उनका संवैधानिक अधिकार है वो, पर हमारे वो भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, वो हमसे ज़्यादा दानिशमंद लोग हैं, साहिब हैसियत हैं, फैसला उन्हीं को करना है। पर हम एक उनसे सिर्फ अपील लेकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ना जाए तो बेहतर है और उस मसले को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जिसको पूरे देश ने कबूल कर लिया उसको दोबारा ना जाए। मैं नूरुल हसन बेग, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशक्ति फाउंडेशन भारत। मैं अपने लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, पूरे मुल्क में अमन कायम है और इसको कायम रखना है। शेर करने में चला, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल था दूसरी तरफ पाकिस्तान था, पैर हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के भी ये बयान थे, ये चलने वाले ज़रा संभल कर चले, हम भी कभी इंसान थे। तो इंसानियत के लिए, अमन के लिए हमें इस मुद्दे को यही ख़त्म करना है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला कर दिया है, ये फैसला हमारे सर आंखों पर, और हमें मस्जिद के लिए जगह मिल गई है, हिंदू भाइयों के लिए मंदिर की जगह मिल गई। तो मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि अमन कायम करें, किसी रिव्यू में जाने की ज़रूरत नहीं और किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। उस पर आलिशान मस्जिद बनाइए और हिंदू भाई आलिशान मंदिर बनाए, और दोनों के बीच में एक हॉस्पिटल बनाए ताकि सेवा का काम भी हो सके।